16 जुलाई से उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। सरकार ने वैट की दरों में दी जा रही छूट को खत्म कर दिया है। 2018 में पेट्रोल और डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने इस छूट को लागू किया था। उत्तराखंड सरकार के इस फैसले के बाद मंगलवार से पेट्रोल 2.5 रुपये और डीजल 1 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से सरकार को वैट से सालाना करीब 150 करोड़ रुपये की आय होगी। वहीं पेट्रोलियम मूल्यों में बढ़ोतरी होने से मालभाड़ा और अन्य वस्तुओं के दामों पर भी खासा असर पड़ेगा। उत्तराखंड की बात करें तो वैट दर पहले पेट्रोल में 14.50 और डीजल में 8.41 प्रति लीटर थी, जो अब पेट्रोल में 17 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 9.41 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं राजधानी देहरादून में मंगलवार से पेट्रोल 75.32 रुपये और डीजल 66.51 रुपये प्रति लीटर हो गया है। न्यूज़ डेस्क, हल्द्वानी लाइव.com।